हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं आज मेरा सपना सच होने वाला है गाइस, कोरिया। गाइस ये BTS फैन है तो आप समझ जाओ। BTS मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ओके गाइस, हम अभी बहुत सारे सामानों में घिरे हुए हैं तो हम अंदर जाके आपसे बात करते हैं। गाइस मेरे पासपोर्ट पे पहला वीजा कोरिया का लगने वाला है। ये एक BTS आर्मी के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि उसका पहला मतलब ठप्पा ही कोरिया का लग रहा है। ये मैं कोरिया जा रही हूँ अपने फेवरेट इंसान के साथ। ये अब मैं इनको परेशान कर सकती हूँ यार, शॉपिंग मत करना यार। चल कर अब। हाय गाइस, क्या नकली चीजें नहीं चलती मेरे व्लॉग में। ले प्रिया रे कोरिया में को सगली चला है अगर पाती पगली करे अच्छा दिखावे हो पे में जलावे वो कदे जाम कानून। गाइस ये मेरे से इतनी देर बाद में हम जा रहे हैं फ्लाइट रे को मेरे नमा क्या लगता ये शोकेंड आपकी गंदी शक्ल ही रहेगी क्या मेरे व्लॉग में हमेशा। गाइस इनको दिल अरे वाह सही बन गया, एकदम सही बना। मैं ऐसे कर रहा हूं मैं कैमरा ऑन लाओ बना दूं, यहीं से बना देती हूं। मेरा फोन तोड़ रही है। गाइस हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं और हमारी स्क्रीन नहीं चल रही है। आप जैसे देख नहीं सकते ऐसे देख लो। ये देखो गाइस पता नहीं क्या हो रहा है, बकवास है, जिंदगी खराब है। इसको हर चीज बकवास ही लगती है। ये जो पहली बार दूसरी बार जा रहे हैं ना, इन्हें ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जो जाते रहते हैं ना उन्हें सब पता ही है। हाँ आंटी नहीं होने दिखाते लोडियन मूवी। 6 घंटे 55 मिनट बाद पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम आपको बताते हैं। मेरा सफर बहुत कठिन रहने वाला है, मैं पूरे रास्ते बैठ के जाऊँगी। हमारे साथ ही आस पास है हमारी ना ये फ्लाइट दिखने में बहुत सुंदर लग रही है यार। ये देखो हमारे शो में सुपर बन जो कि है वेलकम टू कोरिया। खाली भोजपुरी में बात कर रहा हूँ सब पागल महका तुमने ऐसे टट्टी खाली सकल अच्छा है सबने का, खाली पूरा मटेरियल सकल पे लगता है, बॉडी वॉडी पे कुछ नहीं, सब बॉडी पे मैल लगने दो। टट्टी तो सब धोते ही नहीं है वो अंदर जो गंदगी रहती होगी। What you want to say? कुछ भी नहीं बोलना भाई यार, मैं बस चाहती हूँ कि अगर हम कल अगर आज हम जाके आज हमारा अगर पिकनिक डे है ना घूमने फिरने का तो हम अच्छे से घूम फिर लें। हाय गाइस, हमें लग रहा था यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होगी लेकिन बिल्कुल भी ठंड नहीं है। इससे ज्यादा ठंड है, उतार उतार दूंगी मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ठंड में, मुझे मत चालीस चालीस करो। ठंड में तो हम पंखे चला के सोते हैं। हाँ और क्या, दिल्ली वालों को थोड़ी दिक्कत होती है भाई, नाले में ठंड है यहाँ पे। हमने गुलमर्ग की ठंड सही हुई है वो भी 3-4 दिन तक, तो ये ठंड इसके सामने कुछ भी नहीं है। कोरिया वालों की चमड़ी थोड़ी पतली पतली होती है ना, इसलिए उनको यहाँ भी बहुत ठंडी लगती है। आपकी जैसी शक्ल नेपाली लोग नहीं बेस्ट होते, हटो यहाँ से। फाइनली हाय मामू से। हम अपने होटल पहुँच चुके हैं गाइस और अब हम
वही सब, वही घूमने घूमने जाएंगे, तैयार व्यार होंगे पहले तो जाके, अभी तो हमारा चेक इन हो रहा है। और ये बहुत क्यूट लग रहा है क्योंकि क्रिसमस आने वाला है गाइस, मेरे बर्थडे की हर जगह पे तैयारी शुरू हो जाती है। बहुत सुंदर लग रहा है, क्यूट सा। ओके गाइस, आए हम कहीं घूमने जाते तो आपको बताते हैं। ओके गाइस, हम उसी चैप्टर पे आ जाते हैं, हम दोबारा क्या ढूंढ रहे हैं, खाना, वो भी इंडियन खाना। एक तो हमें ये नहीं पता कि हमें बाहर आके भी इंडियन क्यों खाना है, हमें भी नहीं पता, बट ठीक है, मतलब हम कोरिया आए हैं, हमें हंट पे भेजा गया है कि रेस्टोरेंट ढूंढ के लाओ इंडियन, वो भी गैलरी गार्डन, जबकि ये लोग इंडियन खाना इतना अच्छा नहीं बनाते, मीठा तो कुछ भी बना देते हैं। ऐसे मत बोल, हैप्पी मेरे को फिर वो ही याद आ रहा है, मैं रो दूंगी इस बार तो। ओके गाइस, हम ढूंढते हैं खाना वाना, हमें मिलेगा तो आपको बताते हैं। टेस्टिंग चल रही है गाइस खाने की। गाइस हम लोग आ गए हैं इधर खाना खाने, पता नहीं क्या खिला दिया ये गंदा सा चीज। मैं अभी मतलब स्टार्टिंग में हमने अभी ऑर्डर किया है, हमारा नॉन वेज थाली और वेज थाली, लेकिन जो भी है थाली ढाबे पे, ढाबे पे ढाबे पे है, दिल्ली वाले ढाबे पे, देखा नहीं वहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली वाला ढाबा। ये सिलबट्टे तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, इंग्लिश चेक कर लो इनकी, कुछ समझा मैंने, बता मैंने। यही तो है, गंदा सा खिला दिया, गंदा सा खिला दिया मेरे को। नाम क्या है? हेलो दीप, हाउ आर यू फीलिंग? व्हाट किमची दे? How are you feeling? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जा रहा वापस, मेरे को नहीं रुकना है। क्या हो गया भैया? मशीता जो भी है, मेरे पापा ने बोला तू जा रही है। वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल एंड वी आर इन कोरिया एंड वी आर ईटिंग दिस नॉनसेंस थिंग्स, शी इज किमची, किमची टिमची एंड लिमची, शी इज वेरी पुअर, शी डंगर, शी इज जपनीत एंड आई एम शकुन रावत। नहीं ये शी को ही बना रहा है, ये तो शी बना रहा है। मम्मी ये देखो गिलास बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपके ला रहा हूं। ये चाहिए, बास मार रहा बहुत गंदा। ये हमारे वो एयर फ्रेशनर, कैसे अच्छा लग रहा है, गंदा था तो यही, कैसे अच्छा लग रहा है। ये सब क्या मिल गया इनको? कौन वाला पीस चाहिए तुझे? ये क्या है? मत बोल यार कुछ ऐसा वैसा, कटहल काट के दे दी लंबी लंबी करके। ये क्या है? ये मशरूम है, तो इसमें नॉन वेज में नॉन वेज, नॉन वेज में वेज क्यों डाला है इसने? ये क्या बनाया है यार, गंदा सा क्यों लग रहा है इतना? चावल कैसे हो रहे हैं इनके? राइस बोल है क्या? चावल बड़ा चिपका चिपका चावल है, चिपके चावल गंदे से। स्पेस की मां को बहुत बड़ा हो गया, हां जी हो गया, हो गया। खाओ, खा के तो बताओ कैसा है। आप भी खा सकते हो, खा रहे हो? राम 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 तो नहीं बोला इसने, कुछ और बोला है, मंदर पड़े हैं। टेस्ट वाइज तो अच्छा है, ठीक है ना? ठीक है फिर, और चलो भाई खा, चलो अप्रूव हो गया। ये खा, ये मेरे पैसे नहीं कटे, मशरूम तो डाला है मेरे में, सब में मशरूम है यार, वो डिश है उनकी, वो ऐसे ही बनाते हैं सुंदर। अचार खा के देख,
फूफे का रेस्टोरेंट गलत बात गंदी बात थी कड़ा टमाटर खाओ पनीर तो है नहीं इसमें बिना पनीर के कैसा वेज बिना जा रहा मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ जा भाई जा खुशबू तो अच्छी आ रही है हाँ अच्छी चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अच्छा है ठीक है कैसा तो गाइस हम रूम में पहुंच चुके हैं और हमारा बिल्कुल एकदम छोटे से डब्बे जितना रूम है एकदम छोटू सा क्यूट सा हम तैयार हो रहे हैं जाने के लिए बाय गाइस मिलते हैं गाइस ये बोल रही थी कि मेरे को ठंड नहीं लगेगी हॉट बन में आएगी हाँ इसके नीचे मैंने गाइस हम मनी एक्सचेंज कराने जा रहे हैं हमें कोई मनी एक्सचेंज नहीं मिल रहा हम बस फालतू इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमने जा रहे हैं चलो गाइस बाय जब हम मनी एक्सचेंज वाले मिल गए तो हम आपको ले ओए अमाउंट गाइस हमारी मनी एक्सचेंज नहीं हुई अब हम जा रहे हैं वापसी कैसे दिए कैसे दिए ये क्या है ये क्या है एक टमाटर हमको गजब चलेगा पैम क्यों ये सस्ता है हाय गाइस हमने रात का डिनर कर लिया है और मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी डिनर रात का ही होता है अरे वही मतलब मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी कि अगर आप कभी कोरिया आओ बहुत टाइम के लिए आओगे तब तो फिर खरीदना ही पड़ेगा लेकिन अगर कुछ दिन रहने के लिए आओ तो अपना टूथपेस्ट और ब्रश साथ में लेके आना ये लोग उस चीज का चार्ज करते हैं आई डोंट नो व्हाई आप जानते हो दीदी क्यों करते हैं ये चार्ज नहीं अरे तो क्यों मुझे दिखा तो ये लोग मैंने सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस क्या हो रही है चलो बाय गाइस हम अभी नाइट मार्केट जा रहे हैं गाइस हम आ गए हैं पता नहीं कहाँ आ गए हैं बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे एक घंटे में 3 डिग्री कम गिर रहा है यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन चलो गाइस जाए अगर हमें कुछ भी चीज की है तो बताते हैं अभी हमारे यहाँ पे लोग पेंडिया आए नहीं है हम सिर्फ अभी कुछ लोग आए हैं बहुत ही क्यूट सी शॉप पे आए हैं क्या खाने आए हैं क्या खाने आए हैं नाम बता खास मत नाम बता इसका इसका न्यूटेला नहीं न्यूटेला क्या खुरोवासा पता नहीं कुछ तो है क्रॉसवर्ड ये तो नहीं खा रहा है न्यूटेला वाला ऑर्डर किया हॉट चॉकलेट खा रही हूं खा रही हूं पूरी गाइस भाई इसके बाद हम स्किन केयर खरीदने वाले हैं जो कि ये रहा बोलो बोल तो दो हाय गाइस गुड मॉर्निंग गाइस ये देखो ये एक प्लेट खा गई है पहली और ये दूसरा प्लेट लेके आई है इधर के इतना खाती है फिर भी छोटी रह गई मुझे पता तो पिट सकता है दिखाता हूँ आपको हेलो गाइस हम अभी स्टोर से होके आ रहे हैं स्टोर से आ रहे सामान लेते और ये महाशय बियर तोड़ के आ रहे भाई तोड़े थोड़ी ना है यार सामान ले रहे थे फिसल के गिर गया
अब हम उसको जाके बताएंगे कि वो बियर का वो टूट गया तो हमसे पैसा लेगी वो, उसको क्या पता है, हम तो भले इंसान रख के दूसरी बियर भाई बियर टूटा है तो दूसरा ना लेके जाएंगे, ये थोड़ी ना कि बियर इतनी अच्छी है बोली दिस फ्री 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 बोले आप फ्री फ्री उठा उठा। बाय गाइस, हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। अच्छा कोरिया जाएंगे, कोरिया जाके वहाँ से किमचा किमचा करेंगे। अच्छा हाय गाइस, हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हम इंडिया पहुँच चुके हैं, दिल्ली पहुँच चुके हैं उसी गर्मी में। हाँ इतनी ठंड नहीं हो रही ना, कोरिया जितनी ठंड नहीं हो रही, तो हमारा ब्लॉग होता है यहीं पे खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और कुछ नहीं, बाय। और वेट करो हम कल कब जाते हैं दोबारा। चलो क्या।